अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेक अप अब्दुल्ला। हाँ तो भाई, आपका भाई आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो चुका है। और आज यार मेरे साथ बड़ा बैड सीन हुआ। मैं गया था मोबाइल रिपेयर करवाने, क्योंकि मेरे मोबाइल के कैमरे में ना नॉइस आ रही थी, तो जिस वजह से मुझे वो रिपेयर करवाने जाना पड़ा। और फिर मुझे आज दूसरे मोबाइल से शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि सीन ये हुआ कि जब मैं मोबाइल रिपेयर करवाने गया, सही है, उसने बोला आधा घंटा लगेगा। तो जब फिर मैंने सोचा यार मैं घड़ी रिपेयर करवा लेता हूँ, उतने दिन में मैं आ जाऊँगा, लेकिन मुझे वहाँ पे लेट हो गया। तो फिर जब मैं वहाँ से आया, मोबाइल की दुकान ही बंद हो गई। खैर, तो अब सुबह उठ के जाऊँगा मैं मोबाइल लेने। तो आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, मैं ये बोल रहा था कि चलो देखते हैं आज शहरी में क्या बना। ऐसा लग रहा है मैं आज होस्ट बन चुका हूँ ना, देख रहा हूँ फुल माइक लिया हुआ है आपका, आपका होस्ट आपके साथ मौजूद है, चैन से बैठे हैं तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि आपका होस्ट आपके साथ मौजूद है। खैर, तो फिर देखते हैं, चलते हैं यार शहरी में क्या बना। आज बड़ी ख्वाहिश हुई, क्योंकि मैंने रात की इफ्तारी करी हुई, उसके बाद ना मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो बहुत ही मुझे भूख लग रही है। तो देखते हैं आज शहरी में क्या बन रहा है। आज हमारे पास शहरी में आमलेट है, चाय और पराठे हैं। हाँ तो भाई, गुड मॉर्निंग यार। बाकी अभी सीन ये है कि मैं आया हुआ हूँ कज़न के घर, चूँकि मैं गया हुआ था काम से सदर, मोबाइल रिपेयर कराना था हमने, वो हुआ नहीं मसला वाला हमारा, वो जाना पड़ेगा अब हमें इफ्तार के बाद। तो अब सीन ये है कि हमें जाना है एक जगह काम से, वहाँ से हमें एक दो चीज़ें सामान उठाना है, सामान उठा के वापसी यहाँ लेके आना है। तो चलते हैं, सामान उठाते हैं, यहाँ लेके आते हैं, देखते हैं फिर रास्ते में हमारा क्या सीन बनता है। हाँ तो भाई, बस अभी अभी घर पहुँचा हूँ। यकीन मानो आज बड़ी बड़ी खुआरी लगी, और आज ना बहुत काम करा है आपके भाई ने। तो फिर मैं ये बोल रहा था कि आज मेरे साथ बड़ा ख़तरनाक सीन हुआ। सीन ये हुआ कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया ऑनलाइन। फ्रॉड इस नौयत का हुआ कि ऑनलाइन जब आप वर्क करते हो एज अ फ्रीलांसर, तो आपको बहुत से फ्रॉड क्लाइंट भी टकराए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट करो, जैसे कि आप ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम कर रहे हो, या फिर प्रूफ रीडिंग का काम कर रहे हो, या फिर प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हो, या तो PDF का काम कर रहे हो, या तो फिर कुछ भी XYZ काम कर रहे हो ऑनलाइन के, जब आपको इंटरनेशनल क्लाइंट टकराते हैं ना, तो उसमें आपको फ्रॉड हो जाता है। और फ्रॉड इस नौयत का होता है कि आपसे वो काम करवा लेते हैं, सही, और आप उनको काम करके देते हो, जब आप उनसे पेमेंट मांगते हो ना अपनी, तो उस टाइम पर आपको फ्रॉड कर देते हैं। बोलते हैं वो ऐसे हैं कि हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन वो करते कहीं भी नहीं है। और कुछ तो ऐसे होते हैं फेक इनवॉइस बना के दे देते हैं कि भाई ये हमने पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, फेक होता है वो। इतने पैशनेट तरीके से आपसे बात करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप लोग इंसान उनके घेरे में बाद वक़्त आ जाता है। मेरे पर्सनली मेरे साथ हो चुका है ये, तो इस वजह से हम लोग तो टाइम ज़ाया होता है, ऊपर से वक्त ज़ाया होता है। तो टाइम और वक्त चलो दोनों ही ज़ाया होते हैं, वो सॉरी बोल रहा हूँ, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, रोज़ा लगने लग गया, मुझे भी टाइम बर्बाद होता है, सॉरी, हमारा भी और उनको तो फ़र्क पड़ता नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आपके अकाउंट में पैसे शो करा देता कि उनकी एक वेबसाइट बनी हुई होती है, वहाँ पे वो आपको पैसे शो करा देते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करो मैं इतने काम कर रहा हूँ और इतने काम के पैसे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे शो होते बोले, लेकिन आपको इस पेमेंट को विड्रॉ करने के लिए ना आपको $200 फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उनका फ्रॉड पकड़ा जाता है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिया, मैं आप लोग को वो दिखाता हूँ। तो ये आप जैसे कि देख सकते हो, अभी इनका काम चेक करो, जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि बोला है मेरी, मैंने बैंक रिसीव भेजी है, मैंने बोला है मेरे पास अकाउंट अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, बोला है ट्रेस करो उसको। तो फिर मैंने बोला मैं कैसे ट्रेस करूँ भाई, मैंने उसको बोला फिर ये जो है ना ये फेक रसीट है। तो फिर उसने मुझे समझने लग गया। खैर, अब हम आते हैं अगले भाई साहब पे, इनको मैंने बोला, इसको भी से बात कंटिन्यू हो रही थी, तो बोला नहीं यार मे बी शायद नेटवर्क इशू हो, लेकिन खैर उसको मैंने बोला भाई फेक रिसीव है, तो मुझे बोल रहा उल्टा था इसको। फिर बाद में मैंने सुनाई इसको अकाउंट डिटेल, ये देखो ये फेक इनवॉइस इसने बना के, कहाँ से लगता है कि ये बैंक ऑफ अमेरिका की इनवॉइस है, कहीं से लग रहा है, आप खुद ही देख के बताओ ये फेक इनवॉइस है प्रॉपर। तो फिर ये कहाँ से बैंक ऑफ अमेरिका की लग रही है। और दूसरी ये कि दूसरा एक और भाई साहब आ गए, ये तो इतनी प्रोफेशनली बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं इनसे ज़्यादा प्रोफेशनल कोई देखा ही नहीं। हे टाइम फॉर कॉन्टैक्टर, मैंने अपना इंट्रो दिया, स्किल्स बताई, उसके बाद ये यहाँ पे आ गए PDF टू वर्ड कन्वर्ट करने में, उसमें इन्होंने ये मैडम साहबा इतनी ऐसे बात कर रही हैं जैसे पता नहीं बड़ी हाई टेक कंपनी की। जब इनसे मैंने बोला भाई आप अप फ्रंट पेमेंट कर दो आप, तो फ़ौरन बुक कर गए, बोले नहीं। और पेमेंट ऑफर क्या कर दिए मैं $4,000, आप खुद सोचो कोई छोटे मोटे काम में $4,000 कुछ देगा नहीं ना। तो सीधा
तो कहने का मकसद मेरा ये था कि जिस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हुआ उस तरीके से आप लोग के साथ फ्रॉड ना हो, तो आप लोग भी एहतियात रखें और इन लोग को कभी भी कुछ भी पैसे मत देना। ये लोग आप बोलेंगे पेमेंट आपके पास है, बस आपको विड्रॉ करनी है, सब कुछ आपके पास शो करा रहा होगा, बैंक अकाउंट की डिटेल होगा, बैंक अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन, पेपाल का ऑप्शन, सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, लेकिन आपने इनको पैसे नहीं देने, ये फ्रॉड है, ये आपको अगले दिन ब्लॉक करके गायब हो जाएंगे। मैंने अब तक पैसे तो नहीं दिए इन लोग को, लेकिन मैं इनकी चाल चमक दिया चूँकि पहले में तरीका एक ही, पर्सन अलग अलग हैं, आईडी ब्लॉक कर देते हैं बाद में, फिर मैंने देखा हुआ है। खैर तो आज की वीडियो बोल रहा हूँ, देखते हैं चलते हैं अफ्तारी में क्या बना है, चूँकि आज एक तो मैंने काम इतने निपटा लिए ना, मेरी हालत ना आज डाउन हो रही है, बहुत थकी थकी सी हो रही है, शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा। खैर लेकिन वीडियो भी बनानी है, मैंने बोला यार चैलेंज उठाया है, वीडियो तो बनानी है, अब चाहे कुछ भी करूँ। तो देखते हैं अफ्तार में क्या बन रहा है, फिर अफ्तारी करते हैं, रोजे का टाइम होने वाला है अभी, 6:30 हो रहे हैं, तो देखते हैं चलते हैं अफ्तार में क्या बना आज। हाँ तो भाई हमारे यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं और पकौड़े यहाँ पे बने हैं और यहाँ पे भी कुछ फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं, तो मिलते हैं इफ्तार के बाद, चूँकि हालत बहुत बुरी हो रही है। हाँ तो भाई बस अभी अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर पहले फ्री हुआ हूँ। तो यार मैं ये बोल रहा था कि आज की वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि आज मैं ना बहुत थक चुका हूँ, आज मैंने बहुत काम करे। खैर और तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चों, पार्टी, ये देखो छुप गए, जैसे मैं अभी इतना शोर कर रहा हो तो जैसे मैं कैमरा लेके आता हूँ फ़ौरन गायब। यार और इब्राहिम कहाँ गए बे, छोड़ इनको, ये देखो ये गाड़ी, रेल गाड़ी, छुपा छुप, तुम कहाँ भागी, तुम ये आप आ गई मेरे हाथों में, इधर आओ होशियार, खैर पूरा कमरा फैलाया हुआ इन लोगों ने, देख रहे हो बच्चा पार्टी ने। तो खैर आज की वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं यार, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है सहरी में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुलाकात होती है कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।